दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, अब ये अक्टूबर चल रहा है, आज मैं आपसे एक बहुत बढ़िया वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में कौन कौन सी प्लांट के सीड्स आप जो है इकट्ठे करके रख सकते हैं, जिनसे कि आप समर से लेकर रेनी सीजन तक भरपूर फ्लावरिंग ले सकेंगे। तो जिस तरह से सितंबर अक्टूबर में हम लोग जो है नए नए सीड्स लगाते हैं विंटर के लिए, वैसे ही ये सीजन जो होता है समर के बहुत सारे सीड्स को सेव करने का होता है। तो मैं आपको 11 से ज़्यादा जो हैं ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनके सीड आप इस समय कलेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीड आपके पास हों, तो ये सीड आप कहीं घूमने जाते हैं या मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर भी जाते हैं तो रास्ते में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिल जाते हैं हमको जो बाहर लटके हुए होते हैं, तो उनमें से एक सीड तोड़ने से कोई आपको मना नहीं करेगा, सीड पॉट तोड़ने से। तो उनसे भी आप इकट्ठा करके और इनको कब आप लगाएं ये सब बताती हुई मैं आपको आज की वीडियो में जाऊंगी। तो ये मैं एक्जुरा की आपको जो है प्लांट में जो है फ्लावरिंग दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरा ये फूलों से भरा हुआ है इस तरह से। सबसे पहला प्लांट दोस्तों, मैंने अपने सनफ्लावर का प्लांट जो है आपको दिखाने के लिए रख रखा है, नहीं तो मैं इसको कब हटा दिया होता। तो इसके जो है देखिए इसमें पूरे सीड जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। इनके सीड को अधिकांश अगर आप घर में अपने प्लांट से तोड़ रहे हैं तो जिस दिन बारिश हो उस दिन ना तोड़ें, बारिश के जो है दो दिन बाद जब थोड़ी सी धूप आ जाए, जिससे कि प्लांट में जो है बढ़िया तरह से सीड मैच्योर होने के बाद रख दीजिए आप, और मार्च अप्रैल में इनको ग्रो करने डाल दीजिए। तो ये प्लांट आपको हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं और बहुत ही आसानी से लो केयर में चलने वाला प्लांट होता है सनफ्लावर का। ये पूरा सीड पॉट है, ये पूरा जो बना हुआ है इसमें जो है सैकड़ों की संख्या में सीड होते हैं। मैंने सिर्फ इस प्लांट को इसलिए छोड़ रखा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इस तरह से सीड पूरी तरह से ये प्लांट सूख चुका है, इसके सीड बहुत अच्छी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। सीड को तोड़ने के बाद जो है कुछ सीधे जो है आप पैकिंग ना करें, इनको कुछ दिनों तक छाया में सुखा दें अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से आपको ड्राई महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर इनको सीड पॉट सहित भी आप अपने किसी भी पॉली बैग वगैरह में, जिप बैग वगैरह में जो आते हैं उनमें रख सकते हैं। सेकेंड नंबर पर हम अभी जीनिया के प्लांट के जो सीड होते हैं वो भी संभाल सकते हैं। वो भी जिस तरह सनफ्लावर के होते हैं उसी तरह से इसके जो खुद ही फ्लावर सूखते हैं, प्लांट पर ही जो फ्लावर सूखा होता है उसमें बहुत अच्छे से सीड पॉट का एक बना होता है पूरा। ये देखिए इसके एक प्लांट पर जो होता है एक फ्लावर जो होता है 10 से 15 दिन तक आसानी से चलता है बहुत अच्छा। बाद में देखिए नीचे से थोड़ा ब्लैकिश दिखने लग गया, अब इसमें कुछ समय के बाद बहुत अच्छी तरह सीड तैयार हो जाती है। देखिए जिस तरह से इसमें तैयार हो रहे हैं ये देखिए। तो इसको काट कर इसका जो है मॉइस्चर को ख़त्म करने के बाद तो कुछ दिनों तक छाया में ऐसे रख दीजिए तो ये अच्छी तरह सूख जाते हैं। किसी अखबार वगैरह में रख दीजिएगा और उसमें छाया में सुखाने के लिए, क्योंकि अखबार जो है एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भी जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके पास काफ़ी अच्छे हेल्दी सीड हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं आपके घर में ये प्लांट लगा हो, ये प्लांट जो है आपको कहीं भी आसानी से मिल जाता है। तो आप इसका एक फ्लावर अपने पास सूखा हुआ रख लें जिसको आप मार्च अप्रैल के महीने में ग्रो कर दें, तो मार्च और उसके बाद जून और जुलाई के महीने में भी दोबारा ग्रो कर सकते हैं इसको। तो उसके जून जुलाई में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ लेते हैं। दोस्तों ये साइप्रस वाइन होती है, इसके जो है इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। तो आपको कहीं भी इसके ये देखिए बिल्कुल सूखा हुआ सा सीड पॉट मिल जाता है। मैंने साइप्रस का देखिए एक सीड टोड़ा सीड पॉट, उसमें से तीन ये सीड निकले, तो एक सीड से बहुत बड़ी बाइन इसकी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से सीड पॉट आप जो है कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। हर जो बाइन होती है उसमें हजारों की संख्या में जो है सीड पॉट रेडी होते हैं। देखिए ये ब्लैक जो सूखे सूखे हैं इन्हीं को लाना चाहिए। ये तीन कलर में आती है, मेरे पास रेड है, मैं भी कहीं से इसी तरह से एक सीड पॉट लाई थी। तो एक दो सीड पॉट से आप इसको लेकर इसके सीड जो है सीड पॉट सही सूखे हैं तो उनको संभाल सकते हैं। संभाल के जो है आप इनकी फूल जो है मार्च अप्रैल में ग्रो करें, और या फिर मार्च अप्रैल में न ग्रो कर पाएँ तो इसको जून और जुलाई के महीने में ग्रो करें तो ये बहुत अच्छी आपके पास फ्लावरिंग करती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें जो है ऊपर तक इसमें कलियाँ बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है, पर हाइट में है बहुत। दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी ने बहुत संख्या में हमारे को फ्लावर दिए और अब जो है इसका इसके भी हम अभी सीड इकट्ठे कर सकते हैं। अगर हमारे पास है ठीक है, और कहीं और से मिल जाए तब भी इकट्ठे कर सकते हैं। ये देखिए इसके सीड जो होते हैं इस तरह के होते हैं, ये देखिए आपको दिख रहा है ये छोटा सा ये दिख रहा है। इसमें जो है ब्लैक करके जैसे आपको मैंने साइप्रस वाइन के जो है अभी सीड बताए वैसे ही सीड होते हैं। तो इस तरह के सीड आपको मिल जाते हैं तो आप कलेक्ट कर लीजिए। ये मैक्सिमम तीन कलर में होती है, एक जो मैं आपको
आपको ब्लू कलर दिखा रही हूँ, इसके अलावा पिंक कलर और वाइट कलर भी होता है। बहुत कॉमनली ये पहाड़ों में तो इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि खुद इसके सीड गिरते हैं और नेक्स्ट ईयर जो है जंगलों में अपने आप ही खूब बड़े बड़ी इसकी वाइन लगी हुई होती हैं। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट गुलमोहर है। तो ये प्लांट भी जब इसमें फ्लावर्स ख़त्म होते हैं तो इस तरह के देखिए सीड पॉट बनते हैं। ये अभी आपको ग्रीन फली दिखाई दे रही है जो सूखने के बाद ऐसी हो जाती है। तो अगर आप इस तरह की कहीं से फली ले आते हैं तो आप इस तरह का प्लांट आसानी से अपने यहाँ तैयार कर लेंगे। इसके जो है अगर आप सीड डाल देंगे मार्च अप्रैल में तो आपके पास जो है मॉइस्चर देंगे उसको, बहुत अच्छी तरह ये ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट भी आप जो है इसके सीड कहीं से मिल जाए तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। गुलमोहर भी बहुत आसानी से सीड से तैयार हो जाता है, परमानेंट प्लांट है। दोस्तों गोरी चोरी ये देखिए देसी जो है प्लांट होता है, इस पर भी जो है एक फलियां बनती हैं। अभी मेरी इस प्लांट पे बनी नहीं है, इस पर भी फलियां बनती हैं। अगर आपके पास ये प्लांट कटिंग से तैयार नहीं हो पाया है या आप नहीं ला पाए हैं तो इसके सीड आपको इस समय आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ये फ्लावर स्पेंड होंगे तो इसके बाद इसमें जो है सीड पॉट की फलियाँ बनती हैं लंबी लंबी सी। तो एक दो फली लेके आइए, आप आसानी से इसका प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं सीड से। दोस्तों ये गॉम्फ्रिना है, वैसे तो आप इसको साल भर चला सकते हैं पर अगर आप सीड कलेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप जो है इसके सीड भी जो है ये जो दिख रहे हैं आपको पिंक कलर के, ये सूखने के बाद नीचे से थोड़े हल्के ब्राउनस होते हैं। तो दो चार सीड अगर आप कहीं से ले आते हैं तो आप इसके सीड को जो है मार्च अप्रैल में ग्रो करें, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मार्च अप्रैल में ना ज़्यादा करके जुलाई अगस्त में, जुलाई से लेकर अगर जुलाई के महीने में ग्रो करेंगे तब भी ये बहुत अच्छी आपके यहाँ फ्लावरिंग कर देते हैं। इस प्लांट को फ्लावरिंग आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों ये गिलार्डिया है, गिलार्डिया भी अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, वैसे सालाना भी चल जाता है चलाने पर है। तो ये भी जो है इसके सीड अगर आपके पास नहीं है प्लांट तो आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं इस समय। जो इस तरह से देखिए ये सूखे सूखे दिख रहे हैं खाली खाली, पहले ये फ्लावर होता है इस तरह का, फिर ये जो है पूरे सूख जाता है। सूखने के बाद जो है अपनी पेटल्स को जो साइड से ग्रीन ग्रीन होता गिरा देता है तो इनके जो है सीड पॉट जो है ब्राउन कलर के होते हैं। इनको आप संभाल लीजिए। तो इनको मैंने भी इस तरह संभाल के, सब मेरे ये सीड से तैयार प्लांट होते हैं। तो ये इस समय संभालने का बहुत अच्छा समय होता है सीड को कलेक्ट करने के लिए, कहीं से भी मिल जाते हैं तो या खुद के पास भी है तो आप सीड जो है इसमें कलेक्ट करके मार्च अप्रैल में इनको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए ये सब मैंने सीड से ही ग्रो कर रखे हैं। दोस्तों ये बालसम है, बालसम में कुछ वेराइटी पहले खिलती है और कुछ वेराइटी बाद में खिलती है। मैं जो दिखा रही हूँ आपको ये मेरी बाद की खिलने वाली वैरायटी है, यानी कि इस वैरायटी को मुझे जुलाई अगस्त में ग्रो करना है। ये फर्स्ट बार ग्रो की थी इसलिए मैंने इसके प्लांट बहुत पहले लगा दिए थे। तो देखिए अभी अब इसमें फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है, पर इसकी जो है ये रेड जो दिखा रही हूँ आपको मैं, रेड फ्लावर्स वाली इसकी वैरायटी, ये पहले लगती है। तो इसको जो है आप जो है भरपूर गर्मी में तो लोग लगा लेते हैं पर हमारे यहाँ नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ तो इसको थोड़ा सा लेट लगाने के, अप्रैल के बाद ही मई में जब थोड़ी बारिश अगर कहीं पर हल्की महसूस होती तभी लगाती हूँ मैं। और वैसे मैं लगाती क्या हूँ, मैं तो ये गार्डन में ही गिरा देती हूँ इसके सीड। ये देखिए अब ये थोड़े से ब्राउन होंगे तो इस तरह, अब ये कच्चे सीड हैं, इसके जब अंदर से ब्राउन होते हैं वही सीड लगा लेने चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने इसको इसलिए रोक रखा है कि मैं इसके पूरे सीड पॉट को ही अपनी क्यारी में गिराऊंगी और नेक्स्ट ईयर मुझसे फिर टाइम से ये मेरे अपने यहाँ अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो बालसम के जो सीड जो जिनकी जो है पहले लगने वाली जो वैरायटी है उनके सीड को कलेक्ट करने का ये बहुत बेहतरीन समय होता है। इस समय इसके सीड आपको हर जगह मिल जाते हैं, किसी भी पार्क में घूमने जाओ या कहीं रोड पर भी जो है किनारों पर लगे होते हैं कई जगहों पर। तो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसके सीड कलेक्ट करना कोई कठिन बड़ी बात नहीं होती, इसके सीड आप इस समय कलेक्ट कर सकते हैं। ये है अपराजिता, अपराजिता अभी अच्छी फ्लावरिंग कर रही है अक्टूबर नवंबर पर। जिन लोगों के पास नहीं है उनको तो कलेक्ट करना है, उनको पास कहीं भी जाएंगे तो लोगों के घर के बाहर भी ये प्लांट लटका रहता है, मेरा भी घर के बाहर लटका हुआ है। मैं लोगों से कहती हूँ आप इसके फ्लावर्स ले जाइए, खूब लोग ले जाते हैं जिनको चाहिए होता है, क्योंकि जितना ये फ्लावर टूटेंगे तभी इसमें ज़्यादा फ्लावर आते हैं। पर साथ ही इसमें कई सीड पॉट तैयार होते हैं, ये देखिए इस तरह की फलियां होती हैं। ये प्लांट फली से बहुत आसानी से इस तरह से तैयार होता है, इसके बीज को भी हम मार्च के महीने में ग्रो करें। और ये अभी फली जो है मैच्योर फली नहीं है, इस फली को लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी बिल्कुल सूखी हुई फली आपको मिल जाती हैं तो आप ले लीजिए, दो तीन फली तोड़ दीजिए किसी के भी प्लांट से तो कोई मना नहीं करेगा आपको। और मार्च के बाद जो है आप इसे ग्रो करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इस प्लांट के भी सीड को कलेक्ट करने का समय हो चुका है क्योंकि
क्योंकि जितने भी इसमें फ्लावर्स उगते हैं हर फ्लावर से एक सीड बनता है, सीड पॉट बनता है, एक फली बनती है, उस फली में 3 से 4 या 5 जो है सीड होते हैं, तो इनको भी हम इस समय सीड कलेक्ट करने का अच्छा समय है। दोस्तों कैना लिली बेहतरीन फ्लावर होता है, डिवीजन से बहुत आसानी से तैयार होता है, पर इसके जो फ्लावर्स उगते हैं उनमें इस तरह के सीड पॉट तैयार होते हैं। अगर आपके पास इसकी कोई वैरायटी नहीं है, क्योंकि इसका एक डिवीजन करके प्लांट लाना बहुत बड़ा होता है, हर जगह से वो चीज़ ला नहीं सकते हम, तो इस तरह के सीड पॉट जो है हमको आसानी से मिल जाते हैं। इनके सीड पॉट को आप लाकर मार्च के महीने के बाद जो आप ग्रो करें तो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। बारिश के समय में इसे बेहतरीन ग्रोथ होती है और खूब अच्छे ये फ्लावर देते हैं, तरह तरह के इसमें कलर आते हैं, तो इस प्लांट के भी हम सीड इस समय ले सकते हैं जहां हमको मिले। दोस्तों ये रेन लिली है, ये येलो कलर की है, तो इसमें इस तरह के सीड पॉट बनते हैं और ये आपको आसानी से मिल भी जाएंगे हर जगह। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं कि मुझे तो इसके सीड भी जो है बाहर फेंकने पड़ते हैं, जिससे कि मेरे गार्डन में हर प्लांट में ये प्लांट ना उग जाए। तो इस तरह से देखिए इसके सीड पॉट आप कहीं से मिल जाएंगे, तो इस समय लेकर आप जो है जुलाई के महीने में ग्रो करें तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको अभी जो सीड कलेक्ट करने हैं उनसे बहुत सारे प्लांट के नाम बताए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब मेरी देखिए ये गेंदा जो मैंने सीड से ही ग्रो करा था, इसने फ्लावरिंग करना शुरू कर दिया है। कितने सुंदर गुथे हुए इसके फ्लावर हैं, बहुत सुंदर। इस समय जिसके आपके ऐसे प्लांट रेडी हो गए तो आपको मालूम पड़ गया इसके अच्छे फ्लावर, तो इसको कटिंग से नए प्लांट बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।